नमस्कार दोस्तों, तमाम लोगों का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। न्यूयॉर्क में स्टेडियम के पास हैं हम, आप लोगों को पता ही है। और भारत ने बांग्लादेश को जो है अभ्यास मैच में बहुत आसानी से हराया, लेकिन कई ऐसी बातें हुई जो आप लोगों ने शायद मैच के दौरान नहीं देखा होगा। और एक बात, एक घटना जिसको मैंने नोटिस किया क्योंकि सारे लोग जा चुके थे, और वो चीज़ थी कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा जो है अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने ख़त्म किया, प्रेजेंटेशन ख़त्म करने के बाद वो वापस जा रहे थे, तो सडनली मैंने देखा कि उनको जो बांग्लादेश के कप्तान हैं उन्होंने रोका और उनसे गुजारिश की कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो रोहित एज ऑलवेज जेनरस, उन्होंने बोला हाँ मैं बात करता हूं। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर मैं दूर से देख रहा था ऊपर से प्रेस बॉक्स में कि ऐसे ही हालचाल वाली थोड़ी बहुत बातचीत होगी, नए कप्तान हैं उनसे कुछ ऐसे ही हल्की फुल्की बातचीत होगी। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बातचीत हो रही थी, हाँ थोड़ी देर बातचीत चलने लगी, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। और रोहित तो उसके बाद मैंने देखा कि जैसे आईपीएल में आपने सीन देखते होंगे ना कि डिफरेंट टीम के लोग मैच के बाद मिलते हैं, खिलाड़ी आपस में बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वही नज़ारा मुझे देखने को मिला। हालांकि ये ओनली थिंग थे कि कैमरा नहीं था वहाँ पर। उसके बाद रोहित का मैंने देखा लगभग 40 मिनट तक ऐसी ही धूप थी, 40 मिनट तक रोहित शर्मा खड़े खड़े बांग्लादेश के कप्तान जो हैं उनको, युवा कप्तान, उनको टिप्स दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे। मुझे लगा कि यार ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो देखा और सिर्फ मेरा ही आइडिया है। वाकई में मुझे बाद में बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों से मैंने बात की और उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई रोहित शर्मा जो है बहुत पॉपुलर हैं और उन्होंने जो बांग्लादेशी कप्तान की जिस तरह से हौसला अफजाई की, क्रिकेट के बारे में उन्होंने बताया, अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने ये कहा कि आप युवा कप्तान हैं, सब कॉन्टिनेंट में जो दबाव होता है कप्तानी को उसमें आपको टूटना नहीं है, बहुत अहम बात है। कि तो सबसे पहले सुनाते हैं आपको बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं उन्होंने क्या कहा इस बातचीत के बारे में। माय नेम इज़ राणा अब्बास, आई एम केम फ्रॉम बांग्लादेश, माय मीडिया माय न्यूज़पेपर नेम इज़ आजकेर पत्रिका, इट इज़ पब्लिश फ्रॉम ढाका। आपने देखा मैच खत्म होने के बाद आधे घंटे तक बांग्लादेश के कप्तान से रोहित शर्मा बात कर रहे थे, आधे घंटे तक समझा रहे थे जैसे आईपीएल में हम लोग देखते हैं, तो किस तरह का रिलेशन आप देखते हैं इंडियन प्लेयर्स रोहित शर्मा को लेकर, किस तरह का रेस्पेक्ट है, क्या बांग्लादेशी खिलाड़ियों से आपसे बात होती है, क्या कहते हैं? यस, देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन रोहित शर्मा विद बांग्लादेशी प्लेयर्स, मैक्सिमम प्लेयर्स। आई जस्ट एड वन थिंग, व्हेन शांतो एंड बांग्लादेश कैप्टन शांतो एंड रोहित टॉक विद, जस्ट व्हेन दे वर टॉकिंग, शाकिब अल हसन वॉज ऑन द पिच and the middle of the ground. Then he also suddenly came here and joined with them. But what Shakib in the time he told to Rohit or I understood, Shakib requested to Rohit, please have a picture with you, because just remind, only two players are now playing in this World Cup. They played all the tournaments from 2007. He asked various technical terms, technical aspect, because Rohit just again and again said the boundary, again and again said the stance, the batting technique, I think they are talking about the batting technique, stance, new field, new wicket, new conditions, and how can he lead the team. I think the young lad, the young captain of Bangladesh, he also discussed with that things from Rohit Sharma, nothing else. But because both are very good relations, Bangladesh players and between Indian players, and Rohit is very popular to Bangladeshi players also. Rohit is very mighty, very... आपने सुना, युवा बांग्लादेशी पत्रकार, उन्होंने बताया कि किस तरह से शाकिबुल हसन ने, शाकिबुल हसन के लिए भी फैन मोमेंट रहा, उन्होंने सेल्फी खिंचाई रोहित शर्मा के साथ और वो वायरल हो रही है वो पिक्चर। और उसकी वजह यह है कि शाकिबुल हसन और रोहित शर्मा यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2007 के वर्ल्ड कप में खेले थे और अब 2024 में भी खेल रहे हैं, 8-8 वर्ल्ड कप खेलने वाले मात्र दो खिलाड़ी, इकलौते दो खिलाड़ी है। ये इनकी लॉन्जिविटी को भी व्यक्त करता है, फिटनेस को भी व्यक्त करता है, और कहीं ना कहीं दोनों चाहेंगे कि हम जो हैं जीत से चैम्पियनशिप एक बार जीते। तो और मैं कई लोगों से, जो बांग्लादेश के लोगों से मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा की काफ़ी वहाँ पर पॉपुलैरिटी है, जिस तरह के वो कैरेक्टर हैं, जब भी वहाँ पर जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, जो फ़ैन के साथ उनका जो कनेक्ट है। हालांकि एक बात एक अलग चीज़ है, जो भारतीय जो फैंस थे, जो इंडियन फैंस थे, वो बड़े नाराज़ हो रहे थे बांग्लादेशी कप्तान पर, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे रोहित शर्मा का जो कि भाई वो आएंगे, उनके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, और लगातार तो वो बार बार बांग्लादेशी कप्तान को बोल रहे थे जाओ भाई जाओ जाओ, हो गया जाओ जाओ।
लेकिन रोहित टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वो एक पहलू था उनका, रोहित शर्मा के व्यक्तित्व का। और रोहित शर्मा के व्यक्तित्व का एक पहलू हमने मैच के दौरान भी देखा कि किस तरह से एक फ़ैन आया और जिस तरह से उसको पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कॉर्नर किया, फिर भी उनका जो एक ह्यूमन टच, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार इसको ज़्यादा पिटाई विटाई मत करो, रोको, उतने मतलब सुरक्षा का घेरा तोड़कर तमाम चीज़ें, तो उन्होंने प्रोटोकॉल जो है वो शायद वो नहीं कुछ कहते, लेकिन उसके बावजूद वो दया की भावना कि नहीं ठीक है यार उस बंदे ने गलत किया, कैरिड अवे हो गया, लेकिन ट्रीट हिम पीसफुली। हालांकि ये अलग बात है कि अमेरिकन पुलिस ने कुछ सुना नहीं और उसके बाद उनको लेके चले गए पुलिस स्टेशन में, क्या हुआ। लेकिन निश्चित तौर पे जो कैप्टन, जो हिटमैन है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश जो विरोधी की टीम है उनके साथ भी उनका उसी तरह का संबंध है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, आप लोग की जो राय है आप लोग अपनी राय दें और चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।